आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। ये है मालेगांव शहर मेरी जान, जहां पर आज पहला ही दिन जो इस कदर की बारिश यहां पर हुई है, और इस बारिश के अंदर आप देख सकते हैं ये मालेगांव शहर इस्लाम जिम खाना के पास का जो रास्ता है, जो आज़ाद नगर मार्केट की तरफ जाता है, जहां पर सड़क के ऊपर पानी इस कदर का बह रहा है, कैसा लग रहा है जैसे ये चार फुट है पानी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मुसाफिर इस तरीके से अपनी गाड़ियों को ऊपर सवार होकर इस पानी में चल रहे हैं। ये मार्केट है जहाँ पर व्यापारियों का माल भरा पड़ा हुआ है और ये गाड़ियाँ डूबी पड़ी हुई है। चार फुट मतलब बताया जा रहा है कि ये पानी है, ये देख सकते हैं आप। अब इसे हम किस चीज़ का नाम दें या किस चीज़ से जोड़े कि इस शहर की सड़कों पर, अजीम सहाराओं पर इस तरीके का बारिश का पानी जो नदियों की तरह बह रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, किसको मानेंगे आप इस जलथल सड़कों पे पानी का जिम्मेदार? अस्सलाम वालेकुम, मैं शरीफ हुसैन मंसूरी, मालेगांव शहर समाजवादी अध्यक्ष। आज हमारे शहर के अंदर थोड़ी बारिश होने की वजह से, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बारिश होने की वजह से हमारे शहर के जो MIM के कारपोरेटर है, चार कारपोरेटर, गुरुवार वार्ड के चार कारपोरेटर है, 21 नंबर वार्ड में पूरे रोड के हालात आप देखेंगे तो पूरी बस्ती के अंदर पानी भरा हुआ है, इसकी कोई निकासी नहीं है। और बड़े बड़े ऐलान किए गए थे कि शहर भर के अंदर बड़े बड़े नाले, रोड, गटर बनवाए जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ के जो कारपोरेटर है, उन्होंने 4 महीना पहले ये गटर का इफ्तिताह किया था, लेकिन आज भी वो गटर थोप कर रखी गई है, उसका मटेरियल अभी भी वैसे ही पड़ा है। लेकिन यहाँ पर ना कारपोरेशन के अधिकारी आते हैं, ना कारपोरेटर आते हैं, यहाँ ठेकेदार ने आधी गटर बनवा कर छोड़ दी है, लेकिन उनके बिल पास हो जाते हैं कारपोरेशन से, ना अधिकारी देखने आता है गटर या नाले का काम हुआ या नहीं हुआ, बोगस तर्जों पे हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उनके बिल वो लोग पास करा लेते हैं। इसलिए मैं प्रशासन से और कारपोरेशन के उन अधिकारियों से, जो वाकई में ईमानदार अधिकारी होंगे, वो शहर का जायजा लें और ऐसे गटर और नालों की तहकीक करें, ताकि ये शहर के जो कारपोरेटर, जो ठेकेदार है, इनकी जो निकम्मी ठेकेदारी है, इस पर तवज्जो दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय समाजवाद।